बताने जा रहे हैं जीरो ऑयल पत्ता गोभी की सब्जी। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है चॉप की हुई पत्ता गोभी, गाजर, मटर और खड़े मसाले, जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है साबुत जीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी व छोटी इलायची और तेज़पत्ता। सब्ज़ी बनाने के लिए हम पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो उसमें प्याज डालकर हम उसे भुनेंगे। प्याज अच्छी तरह से भुन जाए इसके लिए उस पर हम एक चुटकी भर नमक स्प्रिंकल करेंगे और उसे अच्छी तरह से भुनेंगे। आप देख सकते हैं प्याज लगभग भुन गया है। अब हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे, चॉप की हुई गाजर और मटर। इनको भी हम फिर थोड़ी देर तक भुनेंगे। जब भी प्याज या सब्जियां चिपकने लगे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है और इसे फिर से भुनना है। जब सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ी देर तक इन मसालों को भुनेंगे। जब मसाले भुन जाए तब हम इसमें ऐड केयर करेंगे हमारी चॉप की हुई पत्ता गोभी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये अपनी ही मॉइस्चर से अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में हम इसे अनकवर करके मिक्स करते रहेंगे ताकि पत्ता गोभी अच्छी तरह से पक जाए। 10 से 15 मिनट में आपकी पत्ता गोभी बिल्कुल ही तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, इसे आप फिर ढक्कन हटाकर इवेपोरेट होने दें और साथ में चेक कर लें कि गाजर व मटर अच्छी तरह से पक गया है या नहीं। लीजिए, हमारी स्वादिष्ट जीरो ऑयल पत्ता गोभी की सब्जी तैयार है।